भागलपुर के बाईपास टीओपी थाने में प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। शाम करीब 4 बजे बाईपास थाने में तमोनी मोड़ के रहने वाले निवासी संगीता कुमारी और उसके परिवार वाले पहुंचे। लड़की का कहना है कि हम सौरभ कुमार से 2 साल से प्रेम करते हैं और इधर 2 महीने पहले दोनों ने शादी कर लिया। शादी के बाद लड़की को कुछ दिन तक लड़का ठीक से रखा, फिर उसके बाद लड़का लड़की को छोड़कर कहीं फरार हो गया। इतने में लड़की ने बताया कि लड़के के परिवार वाले हमसे रोज मारपीट करता था। आज दोपहर में पता चला कि लड़का भागलपुर में मनाली चौक के पास है। इसी क्रम में लड़की और उसके माँ मनाली चौक के पास लड़के को देखा तो लड़का भागने लगा। इस दौरान लड़की ने लड़के को पकड़ लिया, लेकिन लड़के ने लड़की को धक्का देकर गिरा दिया और लड़का वहां से फरार हो गया। फिर लड़की के सभी पक्ष बाईपास थाने जाकर आवेदन दिया। फिर लड़के वाले के तरफ से लड़के के पिता, बहन, माँ सब थाने पहुँचे। इसके बाद दोनों ने सुलह की बात कही। लड़के वाले अब लड़की को रखने के लिए तैयार है। पूर्व में भी लड़की ने लड़के के विरुद्ध महिला थाने में केस दर्ज की है। क्या मामला है बाबू? 2 साल से हमसे प्रेम था, 2 साल से मतलब शादी में मतलब बात विचार करते थे, संबंध बना था और वो मेरा शादी में पता लगाता था, वो मना करता था, बोला कि हम रखेंगे। उसके बाद वो 2-3 महीने वो शादी कर लिया, वो घर में रख कर वो मारपीट करके वो भगा दिया और बोलता कि नहीं रखेंगे। कब शादी हुआ था? 31 तारीख को। 31 क्या? 31 तारीख पांचवा महीना। अच्छा, 2024 में कहाँ शादी हुआ था? बाईपास में, पहले गोमे में हुआ था, वहाँ से बाईपास लाया थाना। बाईपास में बोला कि जाओ समझा बुझा के बढ़िया ढंग से रखना, वहाँ लेकर वहाँ रखा और 3 महीने के बाद वो मारपीट करने लगा, पूरी तरह से मेरा हालत सुधार गया। उसके बाद वहाँ से भेजा हमको, वहाँ से उसका बहन ने घर धक्का मार के भगा दिया, बोला कि जाओ वहाँ तुम थानों में जाके बोलो कि हम नहीं रहेंगे उसके पास। कौन बोला? उसके बहन बोला। क्या नाम है बहन का? पूजा कुमारी। फिर क्या हुआ? वहाँ से भगा दिया, हम मम्मी पापा के पास आए। जब मम्मी पापा को बोले तो मम्मी पापा बोला कि रुको, पंचायती का भी वैल्यू वो सब नहीं दिया। पंच भी बोला कि बढ़िया ढंग से रखो और कि सब बढ़िया ढंग से बेटे पुतौ रखता है उसे भी रखो। कौन वैल्यू नहीं? कौन था वो? उसका मम्मी। मम्मी बोली। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप? आप हम उसके घर में रहना चाहते हैं। आज क्या मामला हुआ? आज क्या मामला? वही जो पकड़ाया तो उसको हम बोले कि रुको। नहीं नहीं, आप लोग मनाली पे अभी क्या हुआ था? मनाली चौक पे वहाँ वही मलानी है के चौक पे वो पकड़ाया ना, घर से फिरा था, उसको बोले कि रुको तुम घर मत जानो, वो भाग गया और हमको भी धक्का भी लग गया और रुकने के लिए तैयार न होया। मेरा पापा भी उसका पीछे पीछे दरबंद दिया और रुकने के लिए तैयार न। क्या नाम था लड़के का? सौरभ कुमार। अभी क्या चाह रहे हैं आप, बोलिए तो। हम चाहते हैं यही कि इंसाफ हमको चाहिए, वो जो नहीं इंसाफ वो नहीं देगा, हम खुद मर जाएंगे। अभी साथ में रहना चाहते हैं आप? हाँ, हम रहना चाहते हैं लड़के के साथ में। रहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? संगीता कुमार। घर? तमोनी मोड़। पिताजी का नाम? जप्पू यादव।